फ्रेंड्स कैसे हैं? ठीक ठाक हैं फ्रेंड्स। मेरा नाम दाहिर है। तो आज मैं उनके पास आया था। तो रमजान स्टार्ट हो रहा है, तो कुछ क्वेश्चन थे लोगों के, तो मैंने कहा मैम से पूछ रहे हैं कि इसका क्या हाल है। मैम, पहले तो हमारा क्वेश्चन है, क्या शुगर के मरीज रोजा रख सकते हैं? क्या उनकी शुगर बहुत ज्यादा लो तो नहीं हो रही, क्या वो हाई तो नहीं हो रही? अगर उनकी शुगर बहुत ज्यादा लो होती है तो वो रोजा नहीं रख सकते, क्योंकि उनको दिन में कहीं ना कहीं जो है वो ग्लूकोज की जरूरत होती है, किसी मीठी चीज की जरूरत होती है, जिसकी वजह से वो उनका उनको जो है वो उनकी शुगर और ज्यादा डाउन हो जाती है। क्योंकि जब भी शुगर डाउन होती है तो वो आपके लिए ज्यादा नुकसानदेह है, अगर आपकी हाई होती है। तो सबसे पहले शुगर के जितने भी मरीज हैं वो ये चीज का खास ख्याल रखें कि उनकी शुगर कहाँ तक है, किस लेवल पे है, वो क्या मेडिसिन ले रहे हैं, इंसुलिन लगा रहे हैं, देन वो रोजा रखें। मैम, हमारा क्वेश्चन था कि एक शुगर का पेशेंट है, तो अक्सर देखा गया कि अफ्तारी में हमारे ना खजूर होती है, तो वो क्या खजूर खा सकता है? जी, मैं सेकंड सवाल का जवाब देती हूँ कि शुगर का मरीज जो है वो हर फल खा सकता है, उसके लिए पाबंदी नहीं है। लेकिन उसकी एक क्वांटिटी होती है कि आप एक से ज्यादा कोई भी फ्रूट नहीं ले सकते। और शुगर मतलब जो शुगर के पेशेंट्स आए हैं वैसे हैं, तो हर इंसान को चाहिए कि वो रोजा जो है वो खजूर से ही इफ्तार करे। तो जो शुगर के मरीज हैं वो एट ए टाइम जो है वो दो खजूरें ले सकते हैं, क्योंकि उन्होंने रोजा रखा होता है तो उनका ग्लूकोज वैसे ही लो हो गया होता है, तो वो दो खजूरें खा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। क्वेश्चन है कि मैम के अफ्तारी में अक्सर देखा गया कि ऑयल से बनी हुई चीज़ें ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो क्या अफ्तारी में ऑयल वाली चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हो और कितने की कर सकते हैं? चीजों का ये है कि हमारे यहाँ एक आदत है कि तली हुई चीजें ना खाएं। तो ये चीज है कि क्या ऑयल वाली कोई भी चीज है, जैसे पकौड़े हो जाते हैं या समोसे हो जाते हैं, तो उनमें सब में वही चीज डलती है जो हम नॉर्मली यूज कर रहे होते हैं, आलू हो गए, पालक हो गई, जो भी सब्जियां उसमें डलती हैं। तो तली हुई चीज का मसला या ऑयल वाली चीज से हम लोग सिर्फ इसलिए मना करते हैं कि वो बाहर की ना हो, क्योंकि बाहर की जो चीजें होती हैं उसमें जो भी इंसान बना रहा होता है आदमी, वो ना तो उसके हैंड वॉश होते हैं, ना कोई हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस होती हैं। जो एरिया होता है वो बहुत ज्यादा डर्टी होता है, जर्म्स होते हैं वहां पे। तो जो वो ऑयल इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पता नहीं कब से पड़ा हुआ होता है, तो वो ही ऑयल में बार बार वो चीजें जो है वो फ्राई कर रहे होते हैं। तो कोई भी चीज है, फ्राइड चीजें हैं वो आप खा सकते हैं, लेकिन उसकी क्वांटिटी थोड़ी कम करें। 3 से 4 पकौड़े खा लिए, एक समोसा खा सकते हैं, लेकिन ये है कि वो जो भी चीज आपने इस्तेमाल करनी है वो घर में बनाएं, क्योंकि घर में हाइजीनिक कंडीशंस होती हैं, आपके हैंड वॉश होते हैं, जो आप ऑयल ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो बिल्कुल सही होता है। देन बाहर वाली चीजें सिर्फ आप ना लें जब भी रमजान हो, या वैसे भी घर में आप बना के खा सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। लास्ट में मैम, क्वेश्चन मेरा यह है कि अक्सर देखा गया कि लोग कहते हैं कि रोजा रखने से वजन कम होता है, क्या रोजा रखने से वजन कम होता है? रोजा रखने से वजन बिल्कुल कम होता है, क्योंकि वैसे भी लोग जो है वो इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं, कि वो इतनी फास्टिंग करते हैं कि 8 से 10 घंटे का जो है वो गैप देते हैं खाने में, कि अगर उन्होंने रात को खाना खाया है तो सुबह नाश्ता नहीं करते, या फिर उन्होंने सुबह नाश्ता किया है तो शाम को ईशा के टाइम या फिर 8 से 9 बजे के टाइम जो है वो खाना खाते हैं, तो उनकी इतनी फास्टिंग होती है 8 से 10 घंटे या 12 घंटे की, कि उससे जो है वो वेट जल्दी रिड्यूस होता है। तो रोजा रखने से आपका वेट बिल्कुल रिड्यूस होता है। और जो भी इसमें अल्लाह ताला ने बहुत अच्छी हमें एक नेमत दिया है रमजान, क्योंकि जो हमारे बॉडी के अंदर कैंसर कॉजिंग होती है सेल्स होते हैं वो भी खत्म होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि 8 से 10 घंटे के बाद जो है वो आपकी जो सेल्स होते हैं कुछ वो जो है वो आपकी बॉडी में खुद ब खुद रिड्यूस होते हैं, जिससे हम लोग जो है वो कैंसर से भी बच सकते हैं। तो वो रमजान में आप जब भी रोजे रखते हैं, या वैसे भी अगर आप रोजा रखते हैं 1 मंथ का या 1.5 मंथ के रोजे रखते हैं, तो आपका उससे भी वेट बहुत ज्यादा जो है रिड्यूस होता है, अराउंड अबाउट 8 से 10 kg आसान से रिड्यूस हो सकता है। बहुत शुक्रिया मैम, और दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो लाजमी एक दूसरे को शेयर कीजिएगा, रमजान का महीना आ रहा है, ताकि हम लोग इसमें वजन भी कम कर सकें और अपनी सेहत का भी ख्याल रख सकें। बहुत शुक्रिया।